हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर अली। पिछले महीने मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट भी रहा। तो वायरल इन्फेक्शन हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज चाइनीज़ क्लास थी हमने बोला कि यूनिवर्सिटी के आर्ट म्यूजियम में, उससे पहले एक असाइनमेंट है और फिर वो मैंने टीचर को देना है। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ बाहर का -10 है, यहाँ छान निकलवा लिए। स्कूल जाना था, मैंने एक एप्लीकेशन थी हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो उसकी छुट्टियाँ वगैरह के लिए ना। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ, हाँ वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे म्यूज़ियम। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट से एंटर हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम इस गेट से हम एंटर हुए, किस चीज़ का पता नहीं चल रहा था कि भी क्या कहाँ जाएं क्या करें ना। बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसी के अंदर ही लेक है कि फ्रीज हुआ पड़ा इस वक्त। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, समझ भी नहीं आ रही कौन सी बिल्डिंग कौन कहाँ पे है। पहुँच गए थे तो हमें इंतज़ार करना पड़ गया यहाँ पे ना काफ़ी देर, बहुत ठंड है। तो आ गए हैं जी, हमारा ग्रुप आ गया, ये रहा पीछे, ये आ गए। मैं और अकरम वेट कर रहे थे बाहर, लेकिन हमारा ग्रुप आ गया, टीचर के साथ है। तो बहुत बड़ी क्लास है हमारी, अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि 4 बजे बंद हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके अंदर गए हैं हम। अंदर जाकर काफ़ी रश था, बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन मैंने इधर उधर देखा तो मुझे साइड पे स्टैम्प्स नज़र आई, मैं गया उनकी वीडियो भी बनाई। उसके बाद हम लोग अंदर एंटर हुए। अंदर दाखिल होते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो लाइट वगैरह का इशू था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने सारे बर्तन रखे हुए थे। ये पिलोज़ हैं इनके, और साथ में कोई बर्तन वगैरह पड़े हैं ये अगरबत्ती रखने के लिए, फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए ना। बहुत ही पुराने हैं ये, बहुत पुराने हैं, इनकी डायनेस्टीज़ हैं बहुत पुरानी। ये यहाँ पर ये टी इनका है, टी पोर्ट्स हैं ये, बहुत पुराने पोर्ट्स हैं ये, इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं सारी ना अपने, बहुत ही पुराने पुराने चीज़ें। कुछ टूट भी गए हैं, उनको जोड़ के रखा हुआ है। ये कैलीग्राफी है जो कि इनकी ट्रेडिशनल, ये चलते हैं, बहुत ही महंगी बिकती हैं अगर जिनको आ जाए तो। ये एक प्रोजेक्टर है जिस पे आया हुआ था। तो ये कुछ पोर्ट्स वगैरह और पड़े हैं ठीक सोंग डायनेस्टी से, टीचर बता रही हैं कि भी ये सोंग डायनेस्टी से की चीज़ें हैं। सोंग डायनेस्टी चाइना की सबसे मतलब के रिच डायनेस्टी है। सोंग डायनेस्टी चाइना की रिचेस्ट डायनेस्टी गुजरी है, बहुत अमीर लोग रहते थे। ये कुछ सिक्के हैं ठीक, सिक्के इनके जो चलते थे, ये पेंटिंग्स बनाते हैं ना बहुत लंबी लंबी, इन पे एक बड़े से पेज पे, लंबे से पेज पे ये पेंटिंग बनाते हैं इस तरह की लंबी। तो ये बहुत फेमस होती है यहाँ पे चाइना में, इनकी ट्रेडिशनल है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ये कुछ और पोर्ट्स वगैरह हैं, तो इनमें इनके ये चाय के लिए स्पेशल ये बनते हैं, ये बहुत महंगे महंगे होते हैं। इनके अंदर डिफरेंट किस्म के वो ये सिक्के हैं जो कि ये सिल्वर पड़ा है यहाँ पर ठीक, करेंसी इनकी ये पोर्ट्स हैं चाय के लिए, चाय इनका ट्रेडिशनल है। ये एक स्पोर्ट्स खेलते हैं इसके साथ ना ठीक। तो जो लोग यहाँ पे मर जाते हैं उनके लिए ये लोग ये सोचते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसके साथ ना उसकी कब्र में साथ रखते हैं ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कि भी कब्र में जाकर ये इस्तेमाल करेगा वो चीज़ें ना। तो ये प्रोजेक्टर है, इसके ऊपर सारी स्टोरी वगैरह इन्होंने डाली हुई है, तो हम यहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू भी स्टोरीज़ देख सकते हैं इनके ओल्ड टाइम्स की। तो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स यहाँ पर रखी हुई थी। ऊपर सेकंड फ्लोर पे गए, काफ़ी प्यारा था। तो आगे गए यहाँ पर ना, काफ़ी ये प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी बहुत ही पुराने पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, टूटे हुए पत्थर हैं, कुछ मुकम्मल पत्थर हैं, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो इन्होंने इनको म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये फॉसिल्स वगैरह हैं, तो हॉर्न है ये इनका, बहुत ही पुराने हैं ठीक। यहाँ पर ये दूसरा जानवर आ गया, इसका भी ये हॉर्न है, तो ये टूटा हुआ हॉर्न है इसका सींग। तो यहाँ पर ये इसका है, इसका सींग पड़ा है यहाँ पर, हॉर्न पड़ा है। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस थी यार, बहुत मज़ा आया ये देखकर। काफ़ी पुरानी बहुत ही ओल्ड चीज़ें यहाँ पर पड़ी थी ना, ये 8,000 साल पुराना पत्थर है जो कि ये हमें टीचर बता रहे हैं कि 8,000 पुराना है। ये कुछ और बर्तन हैं जो कि टूटे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने इन बर्तनों को बिल्कुल जोड़ कर रखा हुआ है ठीक।
तो ये कोई थीम इन्होंने बनाया हुआ है, ये असल आग नहीं है, झोंपड़ी है, आग है। बता रहे हैं कि भी पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते थे। तो ये कुछ और पत्थर भी हैं साथ में, ये चाय के लिए, क्योंकि चाय का ट्रेडिशन नहीं। ये कोई चाकू पड़ा है, ये देखें, ये बहुत पुराने, ये कोई 5-6 हज़ार साल पुराने इन लोगों के बर्तन है, काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं। इसे इन लोगों ने इनको जोड़ जोड़ के रखा हुआ है। ये लोग पुरानी चीज़ों को जोड़कर फिर उनको म्यूज़ियम में रख देते हैं, फिर ये पैसे कमाते हैं इनसे। इस तरह से बहुत ही पुराने हैं, देखकर हम हैरान हो गए। हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स वगैरह थे, टीचर्स हमें बता रहे थे साथ साथ कि ये कितने पुराने हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं, सारे तकरीबन ऑलमोस्ट ये बर्तन ही हैं, ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ के चीज़ें हैं यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं, जो कि लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक, यहाँ पर फिर कुछ अभी मॉडर्न टाइम के पेंटिंग्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह लगाई हुई हैं म्यूज़ियम के बारे में, ये छांगछुन सिटी के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से ये लोग चीज़ें निकाल रहे हैं। ये एक और प्रोजेक्ट था यहाँ पर पीछे, ये प्रोजेक्टर ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी वीडियो हमने बना ली, तस्वीरें भी बनाई। तो काफ़ी अंधेरा था, सही तरह से वीडियो नहीं आ रही थी। ये टूटे हुए बर्तन पड़े, इन्होंने टूटे हुए चीज़ों को भी यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि इनसे जुड़ नहीं पाई, इन्होंने टूटी हुई चीज़ें भी रखी हुई हैं। ये तो पुरानी, थोड़ी सी आगे मॉडर्न ज़माने में आकर फिर यहाँ पर स्टैम्प्स का पोर्शन आ गया, तो स्टैम्प्स वगैरह लगवा रहे हैं। ये एक पेज के ऊपर हम सारी स्टैम्प्स, जो भी यहाँ पे म्यूज़ियम में चीज़ें हैं, उन सब के लिए अलग अलग से स्टैम्प बनी हुई हैं। ठीक, ऑलमोस्ट 17 स्टैम्प्स हैं, तो सारी स्टैम्प्स हमने एक पेज पे लगाई और फिर हम वो पेज अपने साथ लेकर जाना था। तो कुछ स्टैम्प्स हमसे ओपन हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। ये जो दो लड़कियाँ ठहरी हैं, चाइनीज़ लड़कियाँ, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो इंग्लिश भी इनकी बहुत अच्छी थी। मैं और अक्रम तो पहले नीचे आ गए, क्योंकि बाद में रश होने वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टैम्प्स वगैरह लगाते रहे पेज पे, तो फाइनली हमने स्टैम्प्स पूरी कर ली। और ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पर ये भी चाइनीज़ एम्बेसी नहीं है, यहाँ पर ये लोग सारे स्टैम्प अपनी लगवा रहे हैं।